स्वागत है आप सबका आपके अपने जिम में, ETF के जिम में। आपका अपना चैनल है ETF, तो ये जिम भी आपका ही हुआ। कभी भी आना हो बता देना, मेरे घर के टेरेस पे ये जिम लोकेटेड है। वर्कआउट करेंगे साथ में, बहुत मजा आएगा। आज की वीडियो बहुत शॉर्ट एंड क्रिस्प रखूंगा मैं, कोई बकवास नहीं इधर उधर की, क्योंकि मैंने बहुत बारी देखे कॉमेंट बॉक्स में लोग बोलते हैं कि भाई पॉइंट पे आया कर, इतनी ज्यादा प्री रिक्वेस्ट बताने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ आंसर से मतलब है। तो मेरे उन भाइयों के लिए भी, बिकॉज आई रिस्पेक्ट ऑल ऑफ माई ऑडियंस, चाहे एक सब्सक्राइबर भी अगर दुखी है मेरे कॉन्टेंट से, तो मैं उसके लिए भी वीडियो बनाऊंगा। सो अगर आपको भी कोई दुख है मेरे कॉन्टेंट से, तो आप कॉमेंट कर सकते हो, मैं मेक श्योर करूंगा कि आपका दुख मैं दूर कर पाऊं। सो आज की वीडियो होने वाली है क्रिएटिन, कैफीन एंड एल-कार्निटाइन फॉर फैट लॉस। क्या ये फैट लॉस इंक्रीज करते हैं? द आंसर इज यस, पर ये है एक शॉर्ट आंसर। इस वीडियो को एंड तक देखना, आधी वीडियो देखकर कमेंट बॉक्स में गंद मत मचाया करो। ये मैं अपने हर एजुकेशनल वीडियो में अब बोलूंगा, जब तक मैं ये चीज इंस्टॉल नहीं कर देता सबके दिमाग में। सो शॉर्ट आंसर यस क्यों है, वो इसलिए है क्योंकि क्रिएटिन, कैफीन एंड एल-कार्निटाइन इनडायरेक्टली आपका फैट लॉस करवाएंगे, डायरेक्टली नहीं करवाएंगे। इसका मतलब यह है कि वो आपकी परफॉर्मेंस को एनहांस कराएंगे इन सम और द अदर वे, जिसकी वजह से यू विल बी एबल टू परफॉर्म बेटर, बर्न मोर कैलोरीज एंड बर्न मोर फैट। सो क्रिएटिन, कैफीन और एल-कार्निटाइन आपका फैट लॉस इनडायरेक्टली करवाएंगे आपकी परफॉर्मेंस को बूस्ट करके। क्रिएटिन, कैफीन एंड एल-कार्निटाइन आर परफॉर्मेंस एनहांसिंग सप्लीमेंट्स, जो आपकी परफॉर्मेंस को यहां से यहां ले जाएंगे, जिसकी वजह से यू कैन बर्न मोर कैलोरीज एंड हेंस यू कैन स्टे इन योर कैलोरिक डेफिसिट, और आप उस कैलोरिक डेफिसिट को मेंटेन करके रखेंगे कुछ दिनों तक, कुछ हफ्तों तक, एंड आपका फैट लॉस इनहांस होगा। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि एल-कार्निटाइन जो है वो वेस्ट ऑफ मनी है, वो खरीदो ही मत, इससे घटिया सप्लीमेंट आज तक बना ही नहीं है। ओके, लेट मी गेट दिस थिंग स्ट्रेट। कभी भी कोई भी सप्लीमेंट बनता है उस पर रिसर्च होती है। एल-कार्निटाइन पे बहुत सारी रिसर्चेज नहीं हुई हैं, बहुत कम रिसर्चेज हुई हैं अभी, जिसमें से अभी तक ये प्रूव हुआ है कि एल-कार्निटाइन अगर आप सिरप फॉर्म में या फिर ओरल फॉर्म में लेते हो तो उसकी अब्जॉर्प्शन बॉडी में इतने अच्छे से नहीं होती, विच इज ट्रू। तो आप इंजेक्टेबल फॉर्म में अगर वो लो तो बहुत अच्छी अब्जॉर्प्शन होती है, बट बहुत सारे लोग स्केप्टिकल होते हैं कि यार इंजेक्शन ये वो, उससे अच्छा अगर आपको सप्लीमेंट फॉर्म में लेना है वो, तो सिरप फॉर्म इज द बेस्ट, स्टिल बेटर देन द टैबलेट फॉर्म, क्योंकि टैबलेट हार्डली अब्जॉर्ब्स एनीथिंग इन योर बॉडी, बट सिरप फिर भी आपको फास्ट अब्जॉर्प्शन देगी। एंड वॉट एल-कार्निटाइन एग्जैक्टली डज इज नॉट बर्न फैट, फैट ऑक्सीडेशन का फैट बर्न से कोई लेना देना नहीं है। इवन इफ यू रेड समवेयर कि एल-कार्निटाइन फैट ऑक्सीडेशन बढ़ाता है, फैट बैलेंस इज इक्वल टू फैट स्टोर्ड माइनस फैट ऑक्सीडेशन, इसका मतलब छोड़ो, सब कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड रखना है, कुछ भी मैंने बकवास नहीं करनी इस वीडियो में। मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं टेक्निकल बकवास नहीं करूंगा, आपको सिर्फ और सिर्फ पॉइंट पे आगे बताऊंगा। जब भी फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि फास्टेड कार्डियो से मोर फैट बर्न होता है, फेड कार्डियो से कम फैट बर्न होता है, उसमें भी सेम ही सीन होता है। चाहे आप इंटरमीडिएट फास्टिंग भी करते हो तो आपको लगता है कि हम फास्टेड स्टेट में ज्यादा वर्कआउट करेंगे तो हमारा ज्यादा फैट बर्न होगा। हाँ, उस टाइम के लिए आपका फैट ऑक्सीडेशन बढ़ेगा, पर उस चीज को कॉम्पनसेट करने के लिए बॉडी बाकी के सारे घंटों में अपना फैट बर्निंग को, फैट ऑक्सीडेशन को कम कर देगी। एट द एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स इज कैलोरिक डेफिसिट। अब वो डेफिसिट आप चाहे खाना कम करके मेंटेन करो, चाहे एक्सपेंडिचर बढ़ा के करो, चाहे ड्रग्स लेके करो, ड्रग्स जो होते हैं जो मेटाबॉलिज्म बढ़ाते हैं, विच इज नॉट एडवाइजेबल, पर मेरा काम है आपको सब कुछ बताना। उन ड्रग्स के बारे में मैं कोई बात नहीं करने वाला, क्योंकि ना मैंने वो यूज करे हैं कभी, ना मैं किसी को रिकमेंड करता हूं यूज करने के लिए, बट देयर आर ड्रग्स इन द मार्केट जो आपका मेटाबॉलिज्म इंक्रीज करते हैं, विच इज नॉट एट ऑल सेफ। अपने डॉक्टर से बात करके ही सप्लीमेंट्स भी लिया करो। नाउ टॉकिंग अबाउट एल-कार्निटाइन, व्हाट इट डज इज ये आपके माइटोकॉन्ड्रिया में से आपके स्टोर्ड फैट को एनर्जी की तरह यूज करता है, दैट इज ट्रू, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो फैट बर्न करना चालू हो गया। इसका मतलब ये है कि वो लाइपोलिसिस करके, ब्रेक डाउन करके आपको एनर्जी दे रहा है, सो दैट यू कैन परफॉर्म बेटर, और आप अपनी एक्सरसाइजेस को और इंटेंसिफाई तरीके में परफॉर्म कर रहे हो, कार्डियो को इंटेंसिफाइड तरीके में परफॉर्म कर रहे हो, एंड यू आर एबल टू बर्न मोर कैलोरीज। सिमिलरली लेट्स टॉक अबाउट क्रिएटिन, द मोस्ट रिसर्च्ड सप्लीमेंट ऑन दिस प्लैनेट इज क्रिएटिन फॉस्फेट, ओ क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। क्रिएटिन फॉस्फेट मॉलिक्यूल होते हैं हमारे अंदर। सो हमारी बॉडी में तीन एनर्जी पाथवेज होते हैं, जिसमें से एक है ATP-CP, दूसरा होता है ग्लाइकोलिटिक, तीसरा होता है ऑक्सीडेटिव। इसकी डिटेल्स मैं नहीं बताऊंगा इस वीडियो में, आई नो यू प्राउड ऑफ मी। सो हमारा अगर ऐसा वर्कआउट है जो एंड्योरेंस बेस्ड है, या फिर ऐसा जिसमें हम बहुत ज्यादा रेप्स लगाने वाले हैं,
या फिर ऐसा जिसमें हमें एक्सप्लोजन चाहिए, बहुत ज्यादा लोड है और उसके ऊपर हमें प्रोग्रेशन करना है रेप्स में, ओवर देयर हमारा जो एनर्जी मॉलिक्यूल्स होते हैं अंदर जब डिप्लीट होना शुरू हो जाता है, जब हम बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड हो रहे होते हैं, हमारे एटीपी मॉलिक्यूल्स जो है वो एडीपी में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि एटीपी इज एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। उसमें से जब एक मॉलिक्यूल निकल जाता है तो वो बन जाता है एडीपी, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। अब उस एडीपी को वापस से एटीपी में कन्वर्ट करने के लिए व्हाट क्रिएटिन डज इज वो आपके एटीपी सीपी पाथवे को एनहांस करते हैं, जिसकी वजह से एडीपी गेट्स कन्वर्टेड इनटू एटीपी एंड यू कैन वर्कआउट फॉर लॉन्गर। सिंपल भाषा में क्रिएटिन आपको लंबा वर्कआउट करवाएगा, आपकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज नहीं करेगा, बेसिकली आपके एंड्योरेंस को इंक्रीज करेगा सो दैट यू कैन वर्कआउट फॉर लॉन्गर, और किसी एक्सरसाइज में आपकी मसल की टेंशन को होल्ड करने की कैपेसिटी को बढ़ाएगा। अगर आपकी मसल एक मिनट तक टेंशन होल्ड कर सकती है उस लोड पे, तो वो उसको एक मिनट दस सेकेंड कर देगा। By any percentage that depends on the individual, आपकी मसल की टेंशन की कैपेसिटी को, टेंशन होल्ड करने की कैपेसिटी को बेसिकली क्रिएटिन विल इंक्रीज दैट। सो क्रिएटिन का काम है इस तरह से परफॉर्मेंस एनहांस करना, एल-कार्निटाइन का है उस तरह से जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। अब आती है बात कैफीन की। कैफीन डज नॉट बर्न फैट डायरेक्टली, इसको अपने दिमाग में घुसा लो बात को। वॉट कैफीन एग्जैक्टली डज इज इट सप्रेसेज योर एपेटाइट फॉर सर्टेन आवर्स, क्योंकि जब हम कैफीन लेते हैं तो हमारा सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। इसका मतलब है कि स्ट्रेस मैकेनिज्म, स्ट्रेस और फोकस मैकेनिज्म हमारी बॉडी का एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी भूख मर जाती है और हम ड्रिवन फील करते हैं, हमें ऐसा लगता है वी नीड टू डू समथिंग, वी नीड टू क्रश दिस वर्ल्ड, हमारे आइडियाज आने लग जाते हैं, दिमाग एकदम से एक्टिवेट हो जाता है। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि देयर इज अ रिलीज ऑफ कैटेकोलामाइंस इन आवर ब्लड स्ट्रीम जब हम कैफीन अपने सिस्टम में इंट्रोड्यूस करते हैं, और जब भी हम कैफीन लेते हैं तो हमारी परफॉर्मेंस भी इसीलिए बूस्ट होती है क्योंकि कैफीन हमारे स्टोर्ड ब्लड ग्लूकोज को, ब्लड शुगर को ब्रेक डाउन करता है और उसी से हमें एनर्जी देता है, विच इज नोन एज रश। हमें कैफीन रश होता है। रश का मतलब ही यही है, जब आपके ब्लड स्ट्रीम में स्टोर्ड शुगर ब्रेक हो जाता है और वो कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में, देन यू गेट द एनर्जी टू वर्कआउट और टू थिंक और टू डू एनीथिंग। एट द एंड ऑफ द डे आपको अपनी घिसवानी ही पड़ेगी, तभी ही आपका फैट लॉस होगा। ये सप्लीमेंट्स आपको हेल्प करेंगे। कैफीन के साथ आप सिनर्जिस्टिकली कंबाइन कर सकते हो एल-थियानिन को, एल-टायरोसिन को, अल्फा जीपीसी को, ये सारे भी नूओट्रोपिक्स हैं कैफीन की तरह, ताकि आपका दिमाग एक्टिवेट हो, आप एकदम से इस वाले रश में आ जाओ कि मैं आज परफॉर्म करूंगा, मैं और कैलोरीज बर्न करूंगा। एल-कार्निटाइन को कंबाइन कर दिया इसके साथ, थोड़ी सी परफॉर्मेंस और बूस्ट हो गई। क्रिएटिन ले लिया और परफॉर्मेंस बूस्ट हो गई। परफॉर्म करना ही पड़ेगा। दिस इज इट गाइज। क्रिएटिन के कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। अगर आपको पहले से कोई भी प्रीडिस्पोज किडनी डिजीज है तो अपने डॉक्टर से पूछना, ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट्स दिखाना, उससे कंफर्म करना कि मैं ये सप्लीमेंट्स ले सकता हूँ या नहीं ले सकता। अगर आपको आईबीएस है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, आपके गट में प्रॉब्लम है, तो कैफीन मत लेना। अगर आपको कोई भी दिक्कत है जिसकी वजह से आप एल-कार्निटाइन नहीं ले सकते, जो आपकी किसी और मेडिकेशन के साथ कंबाइन करके उसकी एब्जॉर्प्शन को हिंडर करेगा, तो एल-कार्निटाइन मत लेना। ऐसा कोई ब्लैक एंड व्हाइट स्टेटमेंट नहीं है कि इस बंदे को ये सब लेना चाहिए, इस बंदे को ये सब नहीं लेना चाहिए। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर डेफिशिएंसीज, ऑन योर ब्लड मार्कर्स, ऑन योर हेल्थ, ऑन योर बॉडी। जितने सप्लीमेंट्स लेने हैं लो, पर अपने हिसाब से लो, अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग लो, नीड्स के अकॉर्डिंग लो, परफॉर्मेंस नीड्स के अकॉर्डिंग लो एंड लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग लो, और कैलोरिक डेफिसिट में खाओ, बर्न करो, वही है सब कुछ बेसिक। I hope it could help you. If it could help you, I want you to subscribe to this channel, like this video. अब मैं आपको मिलूंगा अपनी next video में. I love you all. Thank you for your constant love and support. अब मैं निकलता हूँ. Bye guys.